नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करनी शुरू कर दी है। पहले बीजेपी की ओर से हर पारी में कांग्रेस और राहुल के खिलाफ ही सिक्सर पर सिक्सर मारे, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करते ही सुर बदल गए। हे राहुल बाबा, हे राहुल बाबा, स्कूल जाओ स्कूल, स्कूल में जाकर पढ़ना सीखो और राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो, राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो। पश्चाताप भी तुम करवाओगे मुझे? सवारी अपने सामान की खुद जुम्मेवार है गुरु, तुम नहीं कराओगे। सुन ले, जब कोई ऐसा मकाम आता है, पॉलिटिकल स्पीचेस में मुझे भी टोंगा पार्टी कहा गया, किसी ने कुछ और कह दिया, अश्लील शब्द भी बोल दिए। भाई मैंने तुम्हें पहले कहा कि ये इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। अब मैं सागर की बात कर रहा हूं, तुम कुएं के मेंढक बन रहे हो। देखो, सागर की बात करो, लंबी बात करो, बड़ी बात करो, सोच इंसान को बनाती है। हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं, हंस मोती खोजता है, बगला मछलियां खोजता है। नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने पहले कांग्रेस को कभी मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम कर दिया था, अब वो खुद को जन्म से कांग्रेसी बता रहे हैं। 45 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 10 साल में इस देश को शिक्षित कर देंगे, इस देश से गरीबी हटा देंगे। क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। फिर इंदिरा गांधी आई, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। और अब आ गए मनमोहन सिंह और ये सोनिया जी। अब बोलो क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। जो 60 साल आपको धोखा देते रहे, जो 60 साल आपको विश्वासघात देते रहे, उनका विश्वास कैसे करोगे? अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। अब तो मुन्नी भी इन पे शर्मिंदा हो रही है। मेरी ये घर वापसी है, मैं वापस घर आ गया। बाकी कुछ लोग टिप्पणियां कसते हैं, असर नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, असर नहीं है। वहीं कभी गरीबी और भुखमरी के लिए कांग्रेस को निशाने पर लेने वाले गुरु को अब कांग्रेस पाक दामन साफ लगने लगा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है। कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती तो यारो पीली है। मित्रों, हंसते हंसते बात करेंगे, लेकिन बात सीरियस करेंगे, संवेदनशील करेंगे, दिल्ली की करेंगे, भारत की अस्मिता की करेंगे, भारत की साख की करेंगे, गरीब की रोटी की करेंगे। गरीब की रोटी छीन ली थी इन कांग्रेस वालों ने। लोग पंजाबी में कहते थे कोंगलू खा खा पेट भर गया। कोंगलू समझते हो? शलगम। कोंगलू खा खा पेट भर गया, बात ना पूछे कोई, तरले मार गई, कुंडली मार गई, दाल खवा दो कोई, वो दाल खवा दो। लोग दाल खाने से गए, दाल रोटी खाने से गए, नमक रोटी पे आ गए थे लोग। तो गरीब के लिए लड़ने वाला नरेंद्र भाई मोदी आया, इन्फ्लेशन कम हो गई, महंगाई कम हो गई, दाम कम हो गए, फिर चला तो ट्रेलर है, फिर तो कि अन्नदाता भिखारी कैसे बना। वो पंजाब जो देश का गौरव था, देश की पगड़ी थी, क्या कोई भगत सिंह उठेगा? उसकी रूह से आवाज निकलेगी, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए, बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल ओए। ये स्वाभिमान जगाने सारी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, क्योंकि स्वाभिमान जब जपता है, स्वाभिमान वास्तव में वो सात्विक सुगंधित फूल है जिसके इर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं। NMF News की रिपोर्ट।